है। फ्रेंड का नाम लिटस। जानू हूँ बेटा, परीसा सब तो छोटी है और असली सुनने की है। ये चुप करके हम नहीं है, नू के नू उधर रखे हैं, तक नहीं खोल पर ये यो है। आ जगह सूट तो जितने भी होंगे मुंह तने समोसा। क्या बना रहे हो मम्मा? और मिट्टी के कप है। ये मैं लेकर आई थी ना, दो का रखूंगी। अब तो मैं मिट्टी की चाय बना, मेरे मतलब चाय बना मिट्टी की चाय, मिट्टी के कप में चाय बनाओ। अच्छा, क्या कर रही है? तो वो लोग बनावेंगे। हाँ। तो जी आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और तीन दिन से व्लॉग नहीं आया, थोड़ा बिजी थी उसके लिए। तो और गाइस एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भाई? मैं पहले प्रिपेयर कर रही हूँ। वेरी गुड मम्मी। मैगी की खुशबू आ रही है। हाँ, इसीलिए तेरे लिए बना। यम्मी यम्मी मैगी। तो मैं ये लेके आई थी दो तीन दिन पहले मिट्टी के कप। देखो मैं भी नहीं निकाल रही हूँ। हम बाहर जाते हैं ना तो उनमें चाय नहीं पीते, क्या होते हैं परीसा? वो कुल्हड़। कुल्हड़ की चाय पीते, बहुत बढ़िया लग गया। मिट्टी का टेस्ट आता है। होगा हम उस तरह इनमें चाय पिया करेंगे, हम खुद भी पीवेंगे और उन्हें मिट्टी का टेस्ट आएगा। हाँ, खुशबू आती है बेटा। वो तो ये बहुत प्यारे से कप लेके आई मैं। देखो बताइए जरूर, पर मैं नहीं सला गया, फूटते हैं तोड़ेंगे। मिट्टी के फूटते ही हैं। ये 250 रुपए के दिए हैं। फिर तुम पूछोगे ना कहाँ से लेके आए हो, कितने पैसे के हैं? तो ये मैं लेके आई हूँ 11-12 सेक्टर में, जो एंजल मॉल के पास बैठे हैं ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उनके पास से ली थी। तो ये 250 रुपए के दिए हैं कप मिट्टी के। मम्मी मैगी कितने देर में बनेगी? लगेगी बेटा 5 मिनट तो लगती है ना। 5? हाँ, 5 मिनट तो लगेगी। 5। तो जो मैंने वीडियो डाली थी बेबे की रिटायरमेंट पे, गणे आके मैसेज आ रहे हैं कि आपकी बेबे ने रिटायरमेंट पे के दिया था। और उस रिटायरमेंट पे जो मैंने सूट डाला था उसके साथ में ये बैग ले रही थी, इसके बारे में भी पूछ रहे हैं। तो अरे इसके बारे में भी पूछा था, अरे यो हरिद्वार तो लाई थी, इसके बारे में भी पूछा था। तो स्टार्टिंग ही अड़े तक कर दे। यो मैंने उड़े तो लिया था ऋषिकेश तक, जूट का बैग है सनफ्लावर। अच्छा, ये परीसा की पसंद का था, मतलब यो मैंने परीसा के लिए लिया है, परीसा चाहेगी तो इसे यूज कर लेगी। तो इसका कोई ब्रांड तो है नहीं, ये वहां पे बनाते हैं जूट के। इसका रेट उन्हें मेरे ख्याल से ज्यादा बोला था, फिर 800 रुपए का दिया, 1400 रुपए बोला था। हाँ, 1400 बोला था। फिर पहले दुकान वाले ने तो मना कर दी थी कि मैं 1400 तक कम नहीं दूंगा। तो एक दो दुकान छोड़कर जब हम थोड़े से बाहर आए तो उड़े था 800 रुपए का, यो मैंने मिल गया था। तो यो मैंने ऋषिकेश से लिया था, ये वाला एम्बियंस मॉल में तो लिया था। इसके बारे में भी और इसके बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। तो ये भी एम्बियंस मॉल में तो लिया था। और इनका शोरूम है, ये देख लो, ब्रांड का नाम लिटस। तो इसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, आपको एक केक दिखाई दे जाएगा पर्स। और एम्बियंस मॉल में इनका शोरूम है, तो अगर वहां से लेना तो वहां से भी ले सकते हो। बहुत प्यारा है सीक्वेंस का, इसका मोती का काम है इसके ऊपर। और ये चैन भी है, अगर साइड में आपने टांगना है ये देखो। और पकड़ने के लिए कितना ही पकड़ के भी ऐसे रख सकते हो। तो यो थोड़ा सा कॉस्टली है, घना महंगा है मेरे लिए, रेट कितना मैं नहीं बता रही हूँ। तो जाओ तो खुद उड़ा पता कर लियो अपना, लेकिन यो थोड़ा महंगा है, इनता बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये उड़े तलिया था। फिर बात आई थी रिटायरमेंट की, बता देती हूँ। रिटायरमेंट पे बेबे ने के दिया, तो रिटायरमेंट पे मरता तो के दिया बेबे ने, पैसे दिए थे जो हमने माला डाली थी उसके पे बिना डबल करके। और ये चैन दिया परीसा के लिए, हाथ में दिखाओ इसे, पहन नहीं रही थी तू। अरे हाथ में तो दिखाओ ना, इसमें डाल दिए लॉकेट आपने। हाँ, यो मैंने एक बार बनवाया था बहुत दिन पहले तेरे लिए, याद हो तो। हाँ, मैं लेके आई थी, आपने सरप्राइज दिया था। हाँ, तो ये चैन दिया परीसा की मौसी ने, ये देखो। दिखा दी। तो रिटायरमेंट पे परीसा की ये चैन बनवाई, ये लॉकेट वापस डाल दो इसमें। डाल लू बेटा, परीसा सब तो छोटी है और असली सोने की है ये। बेटा जो मैं गोल्ड की कह रही हूँ, असली नकली सोना क्या होता है? अच्छा, गोल्ड है तो गोल्ड है। अच्छा, असली सोने की।
तो या इसकी चैन बनवाई है प्रीशा की, इसलिए बनवाई है क्योंकि या सारे बहन भाई जितने भी हैं इसके, मैं सबसे छोटी है, छोटी हूँ मैं, तो इसलिए इसकी मौसी ने या इसे गिफ्ट दी है रिटायरमेंट पर। ये लॉकेट मेरे पास बहुत टाइम तक रखा हुआ था, मेरे लिए बनवाया, एक साल डेढ़ साल पहले बनवाया था ना सर, एक साल पहले मैंने वीडियो में भी दिखा था, उस टाइम पर मेरे पास पैसे थे मैंने बनवाया था। और यो इसमें डाल दूंगी मैं इस मोर के लिए, अच्छा ये तो तेरे गुल्लक की चाबी है, मैं पता नहीं किया है, तो प्रीशा कहीं आ जाओगी तो इसे ना पैर लेगी क्योंकि स्कूल में तो अलाउड नहीं है। तो हमने फिर बेबे का जो माला कर ली थी उसकी बेबे ने डबल कर दी थी, और तो कुछ दिया नहीं था। तो ये सूट भी उसने दिए थे पर ये रिटायरमेंट पे नहीं, जब उसका जगराता होया था जब दिए थे। मैं भी खोल कर दिखा दू एक बार, यह मैंने भी नहीं आज तक खोल कर देखे, सही बताऊ मैंने नुके नु रख दिए थे, यहाँ आज खोल कर देखू की सा के कपड़ा है चुक करके मैंने यहाँ नुके नु उधर रखे हैं, तक नहीं खोल रहे थे। यो है लग गया ऑर्गेंजा में, सॉफ्ट ऑर्गेंजा में ये, और दादी इतना तो सारा बेरा और क्या सॉफ्ट है, सूटा की दुकान खुलवाऊंगी। अरे मैं कह रही हूँ सॉफ्ट है ये, तो सॉफ्ट ऑर्गेंजा, तो ये ऑर्गेंजा सीक्वेंस का काम है इसके ऊपर, यो है बॉटम, बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं, नरिया इसकी है चुन्नी, चुन्नी चुन्नी बड़ी है इसकी है ना, मेरे को दे दो, तुझको तो सारे सूटा की चुन्नी मांगेगी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। तो यह इसकी है, एक तो यो दिया था उन्होंने बेबे ने, और एक यो था, ये थोड़ा सा वैसा, ये अच्छा है, यो अलका है थोड़ा, लेनू ये देख लो, जगह सूट तो जितने भी हो गए उतने समोसा लेस लगी हुई है इस पे, मैंने सारा दे रहा हूँ। और हम केले का गए थे उसका रिटायरमेंट पर, हमने एक एक माला और एक एक उसकी पसंद का सूट, तो उसने मारते फैशन का मुशी का वाइट था ब्रेस्ट प्रिंट का, वाइट वाला अच्छा लगता है मुशी को, वाइट और पिंक था ब्रेस्ट प्रिंट का, मुशी ने सिलवा लिया, तो ये दिए थे मुसी ने मारता जगराते में। और अभी प्रीता की चैन है, और सब तक जिसने जाजा की माला डाली थी उसके मुसी ने कर दिए डबल पैसे, क्योंकि हम सारी छोटी है ना मुसी तक, जो छोटी बहन हो सबसे बड़ी शीला मौसी, फिर दूसरे दूसरे नंबर पे माया मौसी, तीसरे पे, तीसरे पे पहले तो मैं हूँ, छोटे तक गिनो या बड़े तक गिनो, बड़े से शीला, शीला सुकुंतला, सुकुंतला मौसी, मोटी मोटी मौसी, माया इसवंती मौसी, और आप फिर वेद तेरा मामा, फिर मैं हूँ, अच्छा और उससे भी बड़े कौन थे शीला मौसी से, जगवीर मामू, जगवीर मामा था सबसे बड़े, जगवीर मामू, ये मेरा ये मेरा एरिया है। और अभी कॉफी पी कर मैं जा रही हूँ जिम में, और मैं जाऊंगी ट्यूशन, परीशा ने ट्यूशन पर छोड़ दूंगी, मैं खा दिखा दू कई ये बेबेर के मैसेज आ रहे हैं, के दिया के दिया के दिया के दिया, मतलब बताए दे, फिर इस सूट के बारे में भी पूछोगी तुम, यो बहुत पुराना है, जो पूछो तो पहले बता दू, इंस्टाग्राम पे भी होना पुरानी मेरी वीडियो में पावांगी आईडी टैग होगी, अनुष्का क्रिएशन वगैरह के नाम तक थी, मेरा भी ध्यान नहीं है, तो अगर पसंद आओ तो पुरानी वीडियो देख लियो, मेरा भी ध्यान ना है तो बिल्कुल भी। कॉफी और करेले की सब्जी किसी लग गई थी मस्त, देखो कर और ही है बे माता झुंडा ना खोल गए, माता आ गई तेरे में ना, इभी ना सुल जाओगा कौन, मैं क्यों सुल जाऊंगी, हैं कंगी तो करन लाग जा तू इतनी बड़ी हो रही। ए प्रीशा आज मैं मुसी का जाऊं थी, और उस दिन का मैंने टाइम में ना लग गया, ये संजू भाभी के कड़े लेकर जाऊं थी मैं, और गिर गए देख के हो गया, कति टूट गए गिरते, कांच के थे और दोनों के दोनों टूट गए, एक के दमाथ में था, मैं कति स्पीड में थी और एक के दमाथ में तो छूट गए, और राधे राधे वाले इतने सुंदर, कति चूर हो गए इतने सुंदर कड़े लेके आई थी मैं, लाइये बेटा कंगा, मेरे हाथ में लग गया, क्या लग गया दिखाइए, कांच कीता लग गया तो बंद है, बुलेट लग गया, ए परीशा बस है मड़ा सा है मुंह में दे लिया, कुछ नंदा जद का
अरे बस लाइन गेर का हूँ हूँ बस 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 आई है मेरा भाई भी आई है मेरा बच्चा। चलो भाई रखते हैं फोन, कितना लग गया इसमें। अच्छा ला मैं गेर का हूँ इन्हें फिर बस बस चुप। छोटी छोटी चोट तो नुए लग गया जाकर बड़का के परीशा। अरे मामूली सी कदी ना सुई जितना लग गया। अच्छा कोई बात नहीं आ जाओ वो बांध दूंगी बैंडेज बांध दू। ओ दर्द हो रहा आ जा बैंडेज बांध दू। दिखा की तरह देखिए देख लो। ओ देखो देखो दिखाई भी नहीं दे रहा आ जा। अभी मैं चल पड़ी हूँ जिम और परीसा को छोड़ूंगी ट्यूशन और फिर आते हुए लेके जाऊं आऊंगी। तो क्या था इसके साथ नहीं व्लॉग आके बंद करेंगे। इसी के साथ हम जिम जा रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके अरे इसको तो मैं कर दूंगी खुद। चलो करो ये हमारी न्यू ट्रेनर है ना परी हमारी न्यू ट्रेनर है। आप कौन सी और अभी जा रही हूँ मगर एक्सरसाइज खत्म करके मतलब पहले परीक्षा को लूंगी उसके बाद जाऊंगी घर। घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा बहुत। घर हम आ गए थे आराते ना मेरी टेलर नहीं भी आ गई सूट लेकर तो डिजाइन तो कल दिखाऊंगी किसे सिलवाए कौन से सूट है। देख की कचरा खा रही है ये ले नए सूट दिखाने नहीं है सूट। मेरे हैं तेरे नहीं इतनी राजी हो रही इतने क्यों अब कैसे ने दिया आपको ये प्रमोशन क्या आते रहते बेटा मेरे पास इतने सारे दिन से सूट 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 सूट। अरे नहीं सुन मैंने तेरा भी सिलवाया है बेबे अनारकली कल दिखाऊंगी देख दूर दूर तक दिखा दू देख। वाह कितना मस्त है ये है देख लो थोड़ा सा पेपर परसों जाऊंगे दिल्ली तो पहन लिए दिल्ली में क्या करने जाएंगे दिल्ली से मिलाएंगे बिल्ली बिल्ली यस डम्मी तो है नहीं एक बिल्ली भी ले लेंगे। और सूट दिखाऊंगी कल की वीडियो में आज का बहुत बड़ा व्लॉग हो गया है तो आज के मैं आए देख मेरे चला गई होंगी ये क्यों आ गया फिर। अरे कल वो तो बोलने भी ना देखे इंग्लिश में अरे ये बोल का देख ले लाग रही टीवी देखने वो तो बोलनी है के बोल लगी उसमें ही साहब वो के बोल रहा बता दो कसम खानी है क्या की कसम इन द नेम ऑफ गॉड वी आर स्टूडेंट्स ऑफ फेस्टिविटी ब्ला ब्ला ब्ला। अरे तू तुझे नहीं लगता तुम कसम नहीं बांधोगे इतने छोटे छोटे बच्चे तोड़े नहीं दोगे तोड़ दोगे ना इतने छोटे छोटे कसम खा के नहीं बांधोगे बता वो तो बोल रही है ये टेंशन हो रही है ना डर लग रहा है आराम से कुरकुरे से खान लग रही है के कुबाड़ा खा रही है ये वो है वो पापड़ नहीं आता उसका वो गिरा हुआ इसकी सॉस देखो अभी करेले के साथ रोटी खाई है एकदम मस्त पसंद है ना तुझे बरमा करेले ना आ इतना जबड़ी डबना था नहीं खुआ मैंने स्कूल में दिए थे वो तो कह रही थी दे दे मैं नहीं देती दे दे आ जबे हमेशा मेरा खाना खा जाती है दे दिया कर हमेशा जैसे करेले दे ना दे दिया कर बेटा। अरे अच्छी चीज को अभी लेके जाऊ ना वो मन्नत इतनी भूखड़ है सारी चीज खा जाती है उसकी माँ देखेगी व्लॉग ने फिर फ्रेंड खाया कर आपस में दे दिया कर अरे सुन पूरे ना सारे खा जाती है। एक बात बता मैंने तेरे इतना बड़ा करेला दिया था ना चार रोटी खानी थी नहीं एक करेले में दो रोटी कैसे खानी तो आधा करेला उन तो दे दे हमारी आधा देती तो मैं मेरी आधी रोटी में खाती फिर दो करेले कर लीजिए उनके लिए ठीक है एक एक्स्ट्रा दे दिए दिया करें बेटा ऐसे कुछ नहीं होता फ्रेंड को ठीक है कल दे दिए अच्छी बात होती है ऐसे अकेले अकेले नहीं खाते फिर तुम फ्रेंड के हो एक दूसरे तो जब चीजें नहीं देती अरे मैं खा सारा खाना खा जाती है और वह देती है तुझे तुझे भी नहीं देती देती है। एक दिन नहीं दिया था ना तू कह रही थी दो दिन पहले क्या खा गई थी अकेले अकेले क्या खा गई थी परीक्षा
कुछ कह तो रही थी तू, अकेले अकेले खा गई मैं बैठी थी और मुझे दिया नहीं, दाल मखनी। अच्छा अकेले अकेले खा गई थी वो है? चावल के साथ। और तुझे नहीं दिया? कोई बात नहीं, फिर तेने सोचा मैं नहीं देती तो मैं क्यों दे। नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, अगर उसने नहीं दिया तो ये नहीं सोचते कभी भी कि उसने नहीं दिया मैं क्यों दूं। जब मैं छोले भटूरे लाई थी उसी दिन लाई थी, पर तेने तो दिए थे ना छोले भटूरे। आई नहीं के चोर के साथ बैठी थी वो तो। मतलब किसको दिए थे उस दिन तूने छोले भटूरे? खिलाए तो थे अपनी दोस्त को। मैंने सहज को जरूर खिलाए। सहज को खिलाए थे? चल ठीक है। अच्छा मतलब तूने छोले भटूरे उस दिन सहज को खिलाए थे? चलो तन्वी को भी खिलाए थे। चलो ठीक है फिर, इतना काफी है, खिलाते हैं दोस्तों को। ठीक है तो गाइस इसी के साथ व्लॉग बंद करती हूँ और मैं भी कुछ खा लूं ना लूं, और फिर आप लोगों से मिलेंगे कल के न्यू व्लॉग में जिसमें मैं दिखाऊंगा अपने सूट जो मैंने डिजाइन के नए नए करवाए हैं, कुर्ते सूट है मेरे, प्रीशा का केस सिलवाया उसके साथ। बाय बाय।